नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। एक ऐसे डॉन की बात और एक ऐसे डॉन की वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे कि दाऊद इब्राहिम भी खौफ खाता था, दाऊद इब्राहिम भी उसके सामने घुटने टेकता था। आज ऐसे डॉन का नाम सामने आया है। चलिए दिखाते हैं पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो। बस आपसे अनुरोध है कमेंट बॉक्स में राय लिखिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि थोड़ी क्वालिटी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जानकारी हम आपको ज़रूर दे रहे हैं, क्योंकि कोविड के चलते हम घर पर ही खुले वातावरण में स्टोरी कर रहे हैं और आपको खबरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर अच्छे कैमरे अच्छे स्टूडियो में होकर हम एंकरिंग करते थे। लेकिन इसी कोविड के चलते हम घर पर एक खुले वातावरण में नेचुरल क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं, जो शायद कुछ लोग को अच्छी ना लगे, लेकिन खबर है तो आप ज़रूर सुन लीजिएगा। बता दूँ, जिससे दाऊद इब्राहिम भी खाता था खौफ, मुंबई के पहले एनकाउंटर में यूं मारा गया था गैंगस्टर। बता दूँ, फरार होने के बाद मान्या सुरबे मुंबई आ गया था, जहां आकर मान्या सुरबे ने एक खूंखार गैंग भी बनाया था। उस गैंग का क्या नाम था वो भी मैं आपको बताऊँगा। हमने नाम आपको बता दिया, मान्या सुरबे। मान्या सुरबे से काफ़ी ज़्यादा डरता था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का नाम बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन शायद मान्या सुरबे के नाम से कुछ लोग परिचित हों और शायद कुछ लोग परिचित ना हों। तो आप ज़रूर जान जाइए कि कौन है मान्या सुरबे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा माफिया कहा जाता है। देश के इस बड़े दुश्मन ने मुंबई में रहते हुए कई बड़े अपराध को जन्म दिया था। लेकिन आज हम बात दाऊद की नहीं, बल्कि दाऊद से भी बड़े गैंगस्टर की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस गैंगस्टर ने दाऊद इब्राहिम को भी मारने की प्लानिंग बना ली थी। हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएट से गैंगस्टर बने मान्या सुरबे की। मान्या सुरबे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुरबे था। बताया जाता है कि बीए करने के बाद मनोहर अर्जुन सुरबे ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। यह भी कहा जाता है कि मनोहर के सौतेले भाई भार्गव दादा ने उसे जयराम की दुनिया में लाया। साल 1969 में मनोहर अर्जुन सुरबे पर हत्या का पहला आरोप लगा था। इसके बाद मनोहर अर्जुन सुरबे को मुंबई में मान्य सुरबे के नाम से जाने जाना लगा। हालांकि हत्याकांड के बाद वो पकड़ा गया था। रत्नागिरी में जेल में भूख हड़ताल करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 14 नवंबर 1979 को वो अस्पताल में पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया था। कहा जाता है कि जेल में रहने के दौरान मान्या सुरबे और भी कुख्यात हो गया था। फरार होने के बाद मान्या सुरबे मुंबई आ गया था। यहां आकर मान्या सुरबे ने एक खूंखार गैंग बनाया था। साल 1970-80 के दशक में मान्या सुरबे का खौफ इतना ज़्यादा था कि एक समय दाऊद इब्राहिम भी उससे खौफ खाता था। 12 फरवरी 1981 को मान्या ने मुंबई की सबसे खतरनाक वारदात को अंजाम दिया था। आरोप लगा कि उसने प्रभा देवी पेट्रोल पंप पर समीर को मार गिराया। इस हत्याकांड में दाऊद को हिलाकर रख दिया था। पुलिस बाद मान्या सुरबे की ने मुंबई में लूट मचा दी। पुलिस की बेइज्जती होने लगी, आरोप भी लगने लगे। 1981 में पुलिस कमिश्नर जूलियो रिवेरो ने इसके खोजने के लिए स्पेशल पुलिस स्क्वाड बनाया। इसमें इंस्पेक्टर स्तर पर लोग ही थे, आइजेक सैमसन, यशवंत भिंडे, राजा तांबन, संजय परांदे और इसाक भगवान, ये लोग शामिल थे। 11 जनवरी 1982 को मान्या सुरबे कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। वहां पुलिस मौजूद थी। उस वक्त इस गैंगस्टर को 6 गोलियां मारी गईं। कहते हैं कि पुलिस उसे अस्पताल भी नहीं ले गई, गाड़ी में घुमाती रही तब तक कि वो मर नहीं गया। ये मुंबई का पहला पुलिस एनकाउंटर था। हालांकि ये स्क्वाड बस एक बड़े ऑपरेशन के लिए बना था। यानी कह सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम भी जिससे खौफ खाता था, उस गैंगस्टर का नाम सामने आते ही लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। लेकिन गैंगस्टर और डॉनों का सफाया हो चुका है। जो गैंगस्टर बन रहे थे वो गैंगस्टर बनना छोड़ दिए हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार आते ही काफ़ी ज़्यादा गुंडे सरेंडर हो चुके हैं।
ज़्यादा गुंडे डर चुके हैं और कह सकते हैं कि डर की वजह से यही बताई जा रही है कि जिस तरह से ये लोग अपना खौफ दिखाते थे, जिस तरह से लोग ये गुंडागर्दी पर उतर आते थे और इनकी गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए ही बीजेपी पार्टी आई और बीजेपी के आते ही बड़े बड़े गुंडों का सफाया हो गया। आज भी गुंडे हैं लेकिन वो गुंडे डरे हुए हैं, वो गुंडे काफ़ी ज़्यादा हताश हैं, वो गुंडे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनकी गुंडाई चल नहीं रही है। जब उनकी गुंडाई चल नहीं रही है तो जाहिर सी बात है कि वो या तो सरेंडर कर देते हैं, या तो गुंडागर्दी छोड़ देते हैं, या फिर मार दिए जाते हैं। क्योंकि गैंगस्टर का नाम हमने देखा मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी की बात करें तो जेल में जान की भीख मांग रहा, ये भी गैंगस्टर है, ये भी अपराधी है, ये भी डॉन है। बात करें विकास दुबे की, विकास दुबे भी एक अपराधी था, एक गैंगस्टर था। उसका क्या हाल हुआ इसका प्रमाण देने की हमें आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं विकास दुबे के साथ क्या हुआ, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, आतिक अहमद जैसे कई ऐसे गैंगस्टर हैं, कुछ गैंगस्टर हैं जो पूरे में घूम रहे हैं, कुछ गैंगस्टर हैं जो जेल में बंद हैं, कुछ गैंगस्टर को मार दिया गया, यानी कि गैंगस्टरों में डर है, गैंगस्टर डरे हुए हैं। चाहे वो दाऊद इब्राहिम ने भारत छोड़ दिया, ऐसे नहीं भारत छोड़ दिया, उसे डर था कि अगर वो भारत में रहेगा तो वो मारा जाएगा। दाऊद इब्राहिम भी बचने वाला नहीं था, वो भी मारा जाता, इसीलिए दाऊद इब्राहिम नीरव मोदी जैसे लोगों ने भारत छोड़ दिया, भारत इसीलिए छोड़ा कि वो बचने वाला नहीं था। चलिए आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और आज हमने आपको एक ऐसे इंसान का नाम बताया जिससे कि दाऊद इब्राहिम भी डरते थे। कई ऐसे कुख्यात गैंगस्टर हैं, कई ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जिनसे बड़े बड़े गैंगस्टर भी डरते थे। दाऊद इब्राहिम एक लुटेरा, एक हत्यारा, मासूमों को मारने वाला, काला बाजारी करने वाला गैंगस्टर था। लेकिन कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिनका सफाया हो चुका है, कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिनका सफाया होना बाकी है। चलिए आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी नज़रों में कोई गैंगस्टर है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आज शासन प्रशासन आपके साथ है, आप जाइए FIR लिखाइए ताकि उस दुष्ट से, उस अपराधी से, उस गैंगस्टर से आपको इंसाफ मिल सके। वो ठोका जाएगा, वो बचने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी पार्टी आते ही कई ऐसे गैंगस्टर हैं, कई ऐसे अपराधी हैं जो आज जान की भीख मांग रहे हैं। कुछ लोग जेल में मांग रहे हैं, कुछ लोग जेल की बाहर मांग रहे हैं, यानी कि प्रशासन के सामने घुटने टेके हुए हैं। वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।